हेलो बच्चों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज की एक्टिविटी है चित्र वर्णन। यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया है, इसपे खिलौने कहाँ कहाँ रखे हैं, यह हम पूर्व सर यानी प्रेपोजिशंस लेकिन हिंदी में उनका इस्तेमाल करके बताएंगे और इस चित्र पर वाक्य बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्व सर चित्र वर्णन। पूर्व सर्ग क्या है? किसी वाक्य में पूर्व सर्ग शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के बाकी हिस्सों से संबंध बताने के लिए किया जाता है। पूर्व सर्ग शब्द संज्ञा की जगह यानी वो कहाँ पर है और दिशा किस तरफ है भी बताते हैं। उदाहरण है मैं, पर, ऊपर, अंदर, बाहर, नीचे, किनारे, पास, सामने आदि पूर्व सर्ग शब्द हैं। पूर्व सर्ग शब्दों के साथ चित्र वर्णन। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक मेज पर दो किताबें रखी हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि दो किताबें एक मेज पर रखी हैं। वाक्य हुआ दो किताबें मेज पर रखी हैं। यहाँ पर पूर्व सर्ग यानी प्रेपोजिशन वर्ड है जो संज्ञा यानी किताबों की जगह जो कि मेज है वो बता रहा है कि किताबें मेज पर रखी हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। आइए पूर्व सर्ग शब्दों के प्रयोग से चित्र में दिख रहे खिलौनों की जगह या स्थिति बताएं। अंदर, बगल में, ऊपर, में, पर, नीचे, सामने और पास, यह पूर्व सर्ग शब्द हम इस चित्र के वर्णन में प्रयोग करेंगे। में शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। यह एक बच्चे का कमरा है। कमरे में कई खिलौने हैं। पास शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। पलंग के पास एक बड़ा भालू बैठा है। सामने शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। भालू के सामने एक खिलौना रेलगाड़ी रखी है। पर शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। चटाई पर खिलौनों से भरा एक बक्सा रखा है। मे शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। बक्से में बहुत सारे खिलौने हैं। नीचे शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। एक रंग बिरंगी गेंद पलंग के नीचे रखी है। ऊपर शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाइए।
एक लाल खिलौना नीले और पीले खिलौने के ऊपर रखा है। अंदर शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। एक छोटी अलमारी के अंदर लाल रंग की खिलौना कार रखी हुई है। बगल में शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। रंग बिरंगे छल्लों का सेट अलमारी के अंदर लाल कार के बगल में रखा है। आइए एक बार फिर से पढ़ें। यह एक बच्चे का कमरा है। कमरे में कई खिलौने हैं। पलंग के पास एक बड़ा भालू बैठा है। भालू के सामने एक खिलौना रेलगाड़ी रखी है। चटाई पर खिलौनों से भरा एक बक्सा रखा है। बक्से में बहुत सारे खिलौने हैं। एक रंग बिरंगी गेंद पलंग के नीचे रखी है। एक लाल खिलौना नीले और पीले खिलौने के ऊपर रखा है। एक छोटी अलमारी के अंदर लाल रंग की खिलौना कार रखी हुई है। रंग बिरंगे छल्लों का सेट अलमारी के अंदर लाल कार के बगल में रखा है। इस तरह हम पूर्वसर्ग शब्दों का प्रयोग करके एक कमरे में अलग अलग चीजों की स्थिति या जगह के बारे में बता सकते हैं। शब्द हैं पास सामने, पर में, अंदर नीचे, ऊपर बगल में। इसी तरह के और वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। बाय बाय।